पंजाब सरकार किसे प्रेशर हेट नहीं हैगी, पंजाब सरकार बिल्कुल पंजाब का पानी एक एक बूंद पंजाब को रहेगी। सरदार भगवंत सिंह मान जी इसलिए कमिटड ने पंजाब का पुत सरदार भगवंत सिंह मान ने कहा गया कि बिल्कुल एक भी पानी की बूंद बाहर नहीं जान देवे, बिल्कुल असी उस स्टैंड उत्ते आम आदमी पार्टी की सरकार कायम आ, एक भी बूंद बाहर नहीं जाऊगी पानी, क्योंकि पंजाब को पानी देने है नहीं, पंजाब को पानी बचते ही नहीं है, पंजाब को पहले ही पानी की घाट आ गई। सो बिल्कुल इस केस को सुप्रीम कोर्ट भी अच्छी तरह डिफेंड करा और बिल्कुल जोड़ा भी सूँ जदोजहद जो भी संघर्ष सूँ लिखना पाया असं वो लिख के पानी का पानी बचा के रहा। बिल जोड़े नेगे पंजाब की तरक्की लिए बहुत ही जरूरी नेगे और जी एस टी का बिल आ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बिल हैगा, वन नेशन वन टैक्स का बिल सगा, इस तरह एफ आर बी एम एक्ट का बिल हैगा, इस तरह स्टैंप एक्ट का बिल हैगा। सो बिल जोड़े नेगे वो मैं समझना पंजाब के लोगों की भलाई दे और स्टेट की भलाई लिए गवर्नमेंट लिए जी वो बहुत जरूरी है। सो मैं समझना यदि आज्ञा जी सू सुप्रीम कोर्ट देगी और उस तो बाद एक लंबा सैशन भी जोड़ा वो पंजाब विधानसभा का होगा। देखो मैटर इनवैसटीगेशन हो रहा है बट लेकिन मैं समझना गा उन्होंने सिक्ख्या मंत्री किसी किस्म का कोई भी दूर दूर का वास्ता नहीं है, क्योंकि वो एक प्रोटेस्ट हो रहा है आलरेडी जोड़ा वो केस हैगा जिन्ना कि मैं हूँ पढ़िया गया वो केस जोड़ा ऑनरेबल हाई कोर्ट के डिसाइड होया गा और उस हाई कोर्ट के फैसले अगेंस्ट जी अपील आ वो भी हाई कोर्ट के पेंडिंग पई है। अंदरेश सिंह गांध जी ने बहुत अच्छा राज पद्धरी समागम का आयोजन किया, आम आदमी पार्टी के सारे एम एल ए साहबान विजय चोपड़ा जी पद्मश्री और होर उगिया शख्सियतों ने बड़ा भाग लिया गया। सो सारू मेरे वालों बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत अच्छा समागम होया गया। सो इस समागमों के मैं समझना जेड़े भी व्यक्ति अपने अपनी कौम के रैवर याद करते हैं, अपने कौम के वड वडेर याद करते हैं, कौम हमेशा ही चढ़ती कला के जिंदा रहेंगे। प्रोफेसर की मौत शिक्षा देखो मैटर इनवैसटीगेशन हो रहा है बट लेकिन मैं समझना गा उन्होंने सिक्ख्या मंत्री किसी किस्म का कोई भी दूर दूर का वास्ता नहीं है, क्योंकि वो एक प्रोटेस्ट हो रहा है आलरेडी जोड़ा वो केस हैगा जिन्ना कि मैं हूँ पढ़िया गया वो केस जोड़ा ऑनरेबल हाई कोर्ट के डिसाइड होया गा और उस हाई कोर्ट के फैसले अगेंस्ट जी अपील आ वो भी हाई कोर्ट के पेंडिंग पई है। देखो मैं समझना कोई भी परेशानी नहीं आनी, कोई ना कोई प्रबंध जो असं करा और सारे पटवारी जोड़े ने गे वो अपनी ड्यूटी जी लाभफुल ड्यूटी आ जी जी कि उन्होंने ड्यूटी कानून के मुताबिक असाइन की है वो निभा। देखो असी दो दिन का सैशन रखा सैशन तो बाद ऑनरेबल गवर्नर साहब ने कहा कि मैं ये जो बिल से जो बिजनेस जो बिल आने से उन्होंने प्रवानगी दी है हूँ असी उन्होंने बिलों को पास करवाने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जावे और सैशन दोबारा जोड़ा होगा, क्योंकि वह बिल जोड़े नेगे पंजाब की तरक्की लिए बहुत ही जरूरी नेगे और जी एस टी का बिल आ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बिल हैगा, वन नेशन वन टैक्स का बिल सगा, इस तरह एफ आर बी एम एक्ट का बिल हैगा, इस तरह स्टैंप एक्ट का बिल हैगा। सो बिल जोड़े नेगे वो मैं समझना पंजाब के लोगों की भलाई दे और स्टेट की भलाई लिए गवर्नमेंट लिए जी वो बहुत जरूरी है। सो मैं समझना यदि आज्ञा जी सू सुप्रीम कोर्ट देगी और उस तो बाद एक लंबा सैशन भी जोड़ा वो पंजाब विधानसभा का होगा। बिल्कुल मैं समुची टीम को आमंत्रित किया गा, सारे साथी मेरे को आएंगे, असी बैठ के इन्हें विचार करांगे और बिल्कुल इन्हों का सार्थक ते पुख्ता हल असी लवांगे। काफ़ी सियासत बढ़ रही है, रो बढ़ा रहे हैं कि सरकार प्रेशर हेठ है किसे? देखो पंजाब सरकार किसे प्रेशर हेठ नहीं हैगी, पंजाब सरकार बिल्कुल पंजाब का पानी एक एक बूंद पंजाब को रहेगी। सरदार भगवंत सिंह मान जी इसलिए कमिटड ने पंजाब का पुत सरदार भगवंत सिंह मान ने कहा गया कि बिल्कुल एक भी पानी की बूंद बाहर नहीं जान देवे, बिल्कुल असी उस स्टैंड उत्ते आम आदमी पार्टी की सरकार कायम आ, एक भी बूंद बाहर नहीं जाऊगी पानी, क्योंकि पंजाब को पानी देने है नहीं, पंजाब को पानी बचते ही नहीं है, पंजाब को पहले ही पानी की घाट आ गई। सो बिल्कुल इस केस को सुप्रीम कोर्ट भी अच्छी तरह डिफेंड करा और बिल्कुल जोड़ा भी सूँ जदोजहद जो भी संघर्ष सूँ लिखना पाया असं वो लिख के पानी का पानी बचा के रहा।